हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? फिर से हाजिर हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता सर की क्लास में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसको कोरोना महामारी के इस दौर में बेहद व्यापक रूप से इस शब्द को सुना जाता है, और यह शब्द है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा से क्या होता है, प्लाज्मा का कोरोना से क्या संबंध है, और प्लाज्मा से किस किस प्रकार के रोग ठीक हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। यह इंग्लिश के साथ साथ साइंस का भी टॉपिक, और क्योंकि मैं एक साइंस टीचर हूँ, मैं एक साइंस स्कॉलर रह चुका हूँ और अब एक फार्मेसी स्कॉलर हूँ, तो इसके बारे में आपको डिटेल से मैं आज पूरी जानकारी दूंगा। इससे पहले कि हम ये जानकारी हासिल करें, यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और आगे दिए हुए बेल आइकन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं हमारी पहली स्लाइड पर। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा की स्पेलिंग होती है PLASMA। प्लाज्मा को प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्लाज्मा ही है, यानी प्लाज्मा को अंग्रेजी उच्चारण में प्लाज्मा ही बोला जाता है और उसका हिंदी अर्थ भी प्लाज्मा ही। प्लाज्मा क्या होता है? हमारे शरीर में, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में खून, रक्त, रुधिर, इन सभी नामों से हम उसे जानते हैं, लगातार हमारे शरीर में दौड़ता रहता है। इस ब्लड में ही हमें प्लाज्मा मिलता है। प्लाज्मा ब्लड में क्यों होता है, वह क्या कार्य करता है, इसके बारे में जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में अधिकतर राज्य सरकारें प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना का एक अच्छा हथियार मान रही है कोरोना को हराने के लिए, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी कई इमरजेंसी केसेज में यूज की जाती है। इससे पहले किन किन पेशेंटों को प्लाज्मा थेरेपी दी जाती थी उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि अब से पहले जब भी कोई बड़ा शॉक यानी करंट लगने से किसी व्यक्ति की जान पर बनाती है तो उसमें प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया जाता है। अत्यधिक गंभीर झुलसे हुए व्यक्ति को ठीक होने के लिए प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है, और ट्रॉमा पेशेंट्स को, और ऐसी बहुत सी मेडिकल इमरजेंसीज है जिनमें प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है। अब हम बात करते हैं कोरोना से प्लाज्मा का क्या संबंध है। कोरोना एक नई बीमारी है, कोरोना पूरे विश्व के लिए एक नई बीमारी है। इस बीमारी का कोई इलाज अभी तक नहीं आया है। अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की थी कल कि हमारी पहली वैक्सीन तैयार हो चुकी है और उसका जल्द ही व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, जब तक सही इलाज सही दिशा में नहीं मिल पाता है तब तक, हमेशा कभी भी कोई नई बीमारी आती है तब तक उन इलाजों को यूज किया जाता है जो पूर्व में इस प्रकार की बीमारियों में उपयोग में आए हैं और जिनसे लाभ भी हुआ है। चलिए अब प्लाज्मा क्या होता है और कैसा होता है, प्लाज्मा से परिचय। प्लाज्मा पीले रंग का एक लिक्विड होता है, जेली लाइक, जेली की तरह, जो पारदर्शी होता है, और जब इसे ब्लड में से अलग करते हैं तो इसका रंग हमें गोल्डन येलो यानी पीला मिलता है। हमारे शरीर में जो टोटल ब्लड है उसका 50-60% के बीच का हिस्सा प्लाज्मा होता है, यानी टोटल ब्लड का मान लीजिए एवरेज 55% प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, यह हम जान लेते हैं। पहले ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड में दो चीजें होती है, दो पार्ट्स होते हैं ब्लड के, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसल्स भी उसे कहा जाता है। प्लाज्मा की बात बाद में करेंगे। ब्लड सेल्स यानी ब्लड कॉर्पसल्स कौन कौन सी होती है, रक्त कणिकाएं कौन कौन सी होती है, हमने अधिकतर लोगों को पता है, अधिकतर लोग सुनते हैं जब हम हॉस्पिटलों में टेस्ट करवाते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स। हिंदी में इन्हें लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स कहा जाता है, और इनका एक और साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। अब इन रक्त कणिकाओं के अलावा जो प्लाज्मा होता है उसकी बात करते हैं। प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है, सबसे पहले तो प्लाज्मा में 90% से 95% तक क्या होता है, पानी। जी हाँ, प्लाज्मा का 90-95% तक हिस्सा क्या होता है, पानी होता है और वाटर, और बाकी हिस्सा जो होता है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, सॉल्ट्स यानी लवण,
प्रोटीन्स, कई प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स, कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, और उसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर यानी रक्त का थक्का बनने वाली जो चीजें हैं वो भी प्लाज्मा में पाई जाती है। अभी तक हमने जाना है साल्ट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं कई प्रकार के, और प्लाज्मा में एक और चीज पाई जाती है हार्मोन्स। जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर ही ट्रेवल करते हैं। तो इन सब चीजों के साथ प्लाज्मा की जो प्रकृति है वो एल्कलाइन होती है, क्योंकि इसमें साल्ट होता है, लवण होता है, इसलिए ये एल्कलाइन नेचर का होता है। और इसमें एक विशेष चीज जो पाई जाती है वो है एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज जो इसमें पाई जाती है उसी की वजह से इसे कोरोना में कारगर माना जाता है। एंटीबॉडीज क्या होती है, यदि किसी व्यक्ति को एक बीमारी पहली बार हुई है, जब हमारे शरीर का सिस्टम उस बीमारी की पहचान कर लेता है, उसके बाद हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र एक्टिव हो जाता है और वह हमारे शरीर में ऐसे सेल्स का निर्माण कर देता है जिससे अगली बार जब बीमारी हमें हो तो उसके लिए हमें कोई दवा की आवश्यकता नहीं होगी, बखुद बखुद उस रोग को मार देगा, उस जीवाणु को, उस कीटाणु को, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को मार देगा। और ये प्रतिरोधी जिन्हें इंग्लिश में एंटीबॉडीज कहते हैं, ये भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इसीलिए सरकार कहती है कि जो भी व्यक्ति कोरोना से ग्रसित थे और अब स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं तो स्वस्थ होने के 14 दिन बाद उन्हें क्या देना चाहिए, अपना प्लाज्मा देना चाहिए। और यदि आप कोरोना से स्वस्थ हुए मरीज हैं तो आपको भी प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। प्लाज्मा डोनेट करने से शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी महसूस नहीं होती है और कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो अब बात करते हैं प्लाज्मा के हमारे शरीर में क्या कार्य है। प्लाज्मा हमारे ब्लड को लिक्विफाइड रखता है। यदि प्लाज्मा हमारे ब्लड में नहीं होता तो हमारा ब्लड तरल नहीं होता, बहने लायक नहीं होता, ठीक है, वो फ्लो नहीं कर पाता। प्लाज्मा का सबसे बड़ा काम है कि शरीर की सभी कोशिकाओं तक क्या पहुंचाना, हार्मोन्स और प्रोटीन्स वगैरह पहुंचाना जो उनकी आवश्यकता है, उन सब की पूर्ति करने के लिए ये प्लाज्मा जिम्मेदार है। अगला एक और कार्य जो प्लाज्मा करता है ब्लड क्लॉटिंग का, जिसके लिए प्लेटलेट्स रक्त कणिकाएं होती है, ब्लड कॉर्पल्स होते हैं, प्लेटलेट्स वो जिम्मेदार होती है। लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर जो है हमारे शरीर का वो काम करता है प्लाज्मा की वजह से। क्लॉटिंग किसे कहते हैं, जब हमारे शरीर पर कोई छोटी चोट लगती है तो आपने कई बार देखा होगा आपसे पहुंच के रह जाते हैं और फिर भी खून ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ देर बाद थोड़ा सा रक्त निकलते ही वहां पर थक्का बन जाता है और वह थक्का बनने के बाद रक्त बंद हो जाता है। तो ये थक्का बनने की प्रक्रिया को ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है और ये भी प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। अगला कार्य जो प्लाज्मा का है वह है कोशिकाएं, जो भी वेस्ट होता है हमारे शरीर के सभी सेल्स से जो वेस्टेज निकलता है उस वेस्टेज को भी शरीर से बाहर निकालने के लिए प्लाज्मा ही जिम्मेदार होता है। तो ये था प्लाज्मा की पूरी कुंडली, प्लाज्मा की पूरी जानकारी। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आपको ये जानकारी सुनकर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो जल्दी से इस चैनल के सभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों से ये जानकारी शेयर करें, ये बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।